हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू डबल स्टोरी हाउस। तो दोस्तों ये हाउस कहाँ पर है, इसका प्लॉट साइज क्या है, इस हाउस पर लोन आपको मिलेगा नहीं, इस हाउस का प्राइस क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए हमारे हाउस के एड्रेस की। तो दोस्तों इसका एड्रेस है राजस्थान की कोटा सिटी में, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर, वृंदावन धाम रोटेदार रोड। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो कॉलोनी है उसका नाम है वृंदावन धाम। हाँ तो दोस्तों बात हो गई इसके एड्रेस की, अब बात करी जाए दोस्तों आपको इस हाउस में क्या क्या मिलेंगे, हाउस कैसा दिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हाउस का यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, आइए चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये आ चुके हैं हम वृंदावन धाम में। तो दोस्तों ये है हमारी वो प्लानिंग जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वो हाउस जो कि डबल स्टोरी में यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों। ये एक साथ बने हुए पूरे के पूरे 3 हाउस हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बाहर से 3ों का लुक अलग है और अंदर से भी इन 3ों का लुक अलग है। तो ये फर्स्ट हाउस की यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी, उसके बाद अब मैं सेकेंड वाले हाउस के यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसको देखिए और समझिए कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों जैसे आप हाउस के अंदर एंटर होते हो, तो दोस्तों एंटर होने के बाद दोस्तों जो राइट हैंड की तरफ अगर आप देखते हो, तो दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, ये रहेगा आपका फर्स्ट वाला बेडरूम, जिसमें भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर 4 सीलिंग की डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे, तो दोस्तों ये रहेगा आपका किचन एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा किचन एरिया रहेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी आपको 4 सीलिंग से बनी हुई डिज़ाइन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो नीचे का इसके यहाँ का पोर्शन है, ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, और इसके सामने जस्ट किचन के सामने दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेट। जी हाँ दोस्तों, ये रहेगा आपका किचन के सामने जस्ट लेट वाला एरिया, और इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा सामान वगैरह रखने के लिए। तो दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पर आते हैं, तो दोस्तों ये रहेगा आपका बाथरूम एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये रहेगा पूरा का पूरा आपका बाथरूम एरिया, यहाँ पर आपको शावर वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा एरिया आपका बाथरूम एरिया रहेगा, और यहाँ से आप सामने की तरफ देख सकते हो दोस्तों, ये सामने की तरफ आपका पूरा किचन और डाइनिंग एरिया रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको 4 सीलिंग की अच्छी खासी यहाँ पर डिजाइन भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो पीछे की तरफ आप आते हो, तो दोस्तों ये रहेगा आपका पूरा का पूरा बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी साइज़ में यहाँ पर बेडरूम मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी आपको 4 सीलिंग से बनी हुई डिज़ाइन मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आपको इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाइक भी पार्क हो सकती है। हाँ तो दोस्तों ये आपका रहेगा पूरा का पूरा बेडरूम। यहाँ पर आपका मॉड्यूलर अलमारी बनेगा यहाँ पर सामने की तरफ, और ये पूरा का पूरा आपका बेडरूम रहेगा। हाँ तो दोस्तों बात हो गई हमारी इस पूरे के पूरे बेडरूम की, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया दोस्तों, ये पूरा का पूरा मॉड्यूलर यहाँ पर अलमारी बनेगा आपका, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं, मैं आपको ऊपर का एरिया दिखा देता हूँ कि आपको ऊपर क्या क्या मिलता है। नीचे का एरिया मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया दोस्तों, आपको लेट बाथ किचन और 2 बेडरूम यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं ऊपर, अब मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं दोस्तों आपको इसमें ऊपर भी क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये रहेगा आपका जीना, जीने के यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा पिंजरी में। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप जैसे ही ऊपर की तरफ आते हो, तो दोस्तों ये रहेगा आपका टेरिस। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे टेरिस की, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर आते हो, ऊपर आप आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में देखते हो, तो दोस्तों ये रहेंगे आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ लेट और बाथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऊपर के पोर्शन पर भी आपको लेट और बाथ यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आपके बेडरूम के बाहर रहेंगे, और आपको यहाँ पर तीसरा बेडरूम ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका तीसरा बेडरूम रहेगा, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएगी, और ये पूरा का पूरा आपका तीसरा बेडरूम रहेगा। हाँ तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर अंदर की तरफ मैं आपको आकर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका बेडरूम रहेगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बात अब आपके इसके बेडरूम की, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहेगा आपका बालकनी एरिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्पेस रहेगा बालकनी एरिया, और यहाँ पर आप हाउस से बाहर देख सकते हो दोस्तों, RCC से बना हुआ आपको 30 फीट चौड़ा यहाँ पर रोड मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके सामने भी आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको
काफ़ी यहाँ पर हाउस बने हुए मिल जाएंगे, यहाँ पर अच्छी खासी आपको कॉलोनी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन धाम में मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लेटेस्ट हाउस यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी प्लानिंग चल रही है। लेटेस्ट हाउस की मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पूरे के पूरे हाउस में आपको 2 लेट बाथ, इसके अलावा 3 बेडरूम और साथ ही साथ आपको यहाँ पर किचन और डाइनिंग एरिया यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों बात हो गई हमारे हाउस की। इसके अलावा दोस्तों आपको जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी रोड 30 फीट चौड़े यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आरसीसी से बने हुए हैं रोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर बाहर से आपका मकान कैसा रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बने हुए डबल स्टोरी में 3 मकान हैं, जो और तीनों का लुक अंदर से और बाहर से डिफरेंट है। तो दोस्तों मैंने पहले हाउस की पहले वीडियो बना दी, इसके अलावा दोस्तों ये सेकंड हाउस की है। अगली वीडियो आएगी मेरे तीसरे वाले हाउस की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों सभी की प्राइस मैंने वीडियो में बता रखी है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझने में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको इस हाउस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर ही मेरे मोबाइल नंबर देख सकते हैं, आप यहाँ पर मुझे कॉल करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों बात हो गई हमारे हाउस की, अब बात करी जाए दोस्तों इसके प्लॉट साइज की। तो दोस्तों मैं इसका प्लॉट साइज आपको बता देता हूँ, दोस्तों इसका प्लॉट साइज है 12.5x37। जी हाँ दोस्तों, ये इसका प्लॉट साइज है, जो ऊपर का पोर्शन है उसका अलग है। हाँ तो दोस्तों बात हो गई इसके प्लॉट साइज की। इसके अलावा दोस्तों बात करी जाए कि स्क्वायर फीट में कितना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये है 468 स्क्वायर फीट, जो इसका ऊपर का पोर्शन है उसका स्क्वायर फीट इसमें अलग है। हाँ तो दोस्तों बात हो गई इसकी साइज़ की, अब बात करी जाए दोस्तों इस हाउस के डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको इस हाउस की रजिस्ट्री मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करी जाए, अगर आप इस हाउस पर लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस हाउस पर लोन भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो गई इसकी डॉक्यूमेंट्स की और लोन की। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस हाउस पर आपको जो अभी सब्सिडी चल रही है, जी हाँ दोस्तों जो अभी सब्सिडी चल रही है 2.67 हज़ार की, तो दोस्तों ये पूरी 2,67,000 की जो सब्सिडी चल रही है, वो आपको यहाँ पर इस हाउस पर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करी जाए इस हाउस के प्राइस की। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब तक का कोटा में सबसे सस्ता हाउस है, जो कि डबल स्टोरी में यहाँ पर आपको मिल रहा है। दोस्तों इसकी प्राइस है 20 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस है 20 लाख रुपये, जिसमें आपको 2.67 हज़ार की यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिल रही है। हाँ तो दोस्तों बात हो गई हमारे इस हाउस की और इसके डॉक्यूमेंट्स और इसकी प्राइस की। दोस्तों अब बात करिए, अगर आपको कोटा में कहीं भी न्यू प्रॉपर्टी लेनी है, तो दोस्तों आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर और अगर कोटा में कोई भी न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जैसे कि हाउस या प्लॉट, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे अच्छा हाउस और सबसे सस्ती प्राइस में यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। हाँ तो दोस्तों बात हो गई हमारे यहाँ पर हाउस की। इसके अलावा दोस्तों बात करी जाए, अगर आप भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप सेल करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों स्क्रीन पर आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा मुझे अपनी प्रॉपर्टी का एक वीडियो बनाकर और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मुझे भेजनी है, यहाँ पर मैं आपकी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द यहाँ पर सेल करवा दूँगा। हाँ तो दोस्तों अब बात करी जाए हमारे चैनल की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कोटा में जो भी लेटेस्ट हाउस से रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल का आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि कोटा में जो लेटेस्ट हाउस के से रिलेटेड मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँगा, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाए और आप यहाँ पर कोटा में सबसे अच्छा और सस्ता हाउस यहाँ पर परचेस कर पाए। आई होप दोस्तों आपको इसमें सब कुछ समझने में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर और भी लेटेस्ट हाउस की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू हाउस और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।